stop blaming your hair loss on your genetics and on your parents. And you heard me right, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. Stick till the end of this video, I'm going to share with you a new perspective on how we can do things in order to minimize the damage of genetic hair loss. Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. मेरा नाम है अभिजीत भंसाली. The first thing that we need to understand is that yes, a genetic code which is there in your parents is going to be transferred to you when you are a newborn baby. So this is what we are going to talk about today. Ki if your genetics are predisposed to cause baldness to you or hair loss to you, can we do something about this epigenetics which influences genetics in order to either delay this, stop this, or even reverse this? There is something called as epigenetics, which is in Greek, epi means in addition to or on and above. Ab yahan pe is genetic code ke upar, is DNA code ke upar, there are few chemicals that can be added on to it, जिसके वजह से वो जो जेनेटिक कोड है वो कैसे रीड होता है और उससे कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो चेंज किया जा सकता है. जेनेटिक कोड चेंज नहीं होता, लेकिन वो जेनेटिक कोड कैसे पढ़ा जाता है और वो जेनेटिक कोड कैसे समझा जाता है बॉडी के द्वारा और उसके वजह से कौन से प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके वजह से कौन सा इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, दैट इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड एंड दैट इज एपिजेनेटिक्स. सो व्हाट डज एपिजेनेटिक्स एक्चुअली कंट्रोल? एज आई सेड अर्लियर, इट कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक कोड. आपका जेनेटिक कोड एज इट इज रहेगा. अब इधर उसको वो स्विच ऑन और ऑफ कर सकता है या फिर जैसे मैंने आपको बताया उसको ऑल्टर कर सकता है इन अ वे कि जो आपके रीडिंग मैकेनिज्म्स है बॉडी के अंदर जो जेनेटिक कोड को पढ़ते हैं वो जब पढ़ने आएंगे उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को, दे विल रीड इट एज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज इट हैज बीन मॉडिफाइड स्लाइटली एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इम्पैक्ट्स एपिजेनेटिक्स? सो बेसिकली एवरीथिंग लाइक एनवायरमेंट, ट्रॉमा, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, डाइट, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग. Everything that you're doing from a day-to-day basis since the time you have taken birth is going to add up to your epigenetics. Most often what we do is we label our poor habits as a blame on our parents and our grandparents, saying that our genetics are bad and our genes are bad. What I mean by that is, for example, ऐसे मान के चलो कि आप एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए हो जहां पे आपके फादर साइड मदर साइड दोनों जो है वहां पे हेयर लॉस का बहुत ही ज्यादा प्रीडोमिनेंट एक्सप्रेशन है. तो नाउ हम ऐसे मान के चलते हैं कि आपके जेनेटिक कोड के अंदर भी हेयर लॉस प्रीडिस्पोज्ड है. अब वो जेनेटिक्स जो है वो ट्रिगर मान के चलो आप, वो ट्रिगर सिर्फ तभी दबेगा जब आपका एपिजेनेटिक्स भी खराब होगा. व्हाट आई मीन बाय दैट इज आपके पेरेंट्स एक एक्स टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब उनका ना हेल्दी लाइफस्टाइल है ना हेल्दी डाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घर में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं, प्लस यू गाइज आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है. एंड आप यू ऑल्सो लिव दैट सेम एग्जैक्ट लाइफस्टाइल, नो गुड डाइट, नो गुड लाइफस्टाइल, लॉट ऑफ स्ट्रेस, वेरी पुअर स्लीप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वॉट यू हैव बेसिकली डन इज यू हैव वॉक्ड ऑन योर पेरेंट्स पाथ, on the same path that they walked and spoiled their health, you are walking on that same path and spoiling your health as well. Agar hum is responsibility ko nahi samajhte ki agar hum ye sari cheeze change kar de, is epigenetics ko change kar de, to hamara gene expression jo hai wo change ho sakta hai. Genetics change nahi honge, lekin genetics kaise express hote hain, phenotype kaise express hota hai, wo चेंज हो सकता है. अब आप बोलोगे कि यार हमें एपिजेनेटिक्स के बारे में तो किसी ने बताया नहीं, सब बोल रहे हैं जेनेटिक्स खराब है, जेनेटिक्स खराब है. डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलते हैं हाँ आपके पापा भी बॉल्ड है, आपके चाचा भी बॉल्ड है, तो आप भी बॉल्ड होने ही वाले हो, तो उससे बेटर है कि आप विटामिन लो, PRP करो, मिनोक्सिडिल लगाओ, फिनिस्ट्राइड लो और बचाओ अपने बालों को जब तक बचते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे ना कोई डाइट की बात करता है, ना कोई यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात करता है, ना कोई यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करता है, कोई स्लीप की बात नहीं करता, कोई कुछ बात नहीं करता यहाँ पे, बस वही गिने चुने मेडिकल इंटरवेंशंस को आपको सौंपा जाता है. इसीलिए
जब मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, मैं उनके साथ एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक बैठता हूँ कभी कभी, एंड उनकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरा डाइट, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, ट्रॉमा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं प्योरली बिकॉज आई एम वर्किंग टू चेंज योर एपिजेनेटिक्स. आई एम वर्किंग टू मेक श्योर दैट ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स विच हैव द पावर टू चेंज योर जीन एक्सप्रेशन, हम उस पर काम करें. बाकी मिनोक्सिडिल फिनिस्टाइड तो है ही, वो कहाँ भागे जा रहा है, राइट? उसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेंगे, बट जो बेसिक है, जो हमारा बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि एपिजेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, उसको एक हेल्दियर साइड पे लेके जाना, दैट शुड बी आवर नंबर वन गोल. आई होप ये जितना भी लंबा वीडियो हो, आई होप इट्स ऑफ वैल्यू. एंड ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बिकॉज ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. एंड मैंने उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इट्स एक्चुअली नॉट राइट टू ओवर सिंप्लीफाई सच थिंग्स, बट आई हैव टू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेल वर्स्ड विद दीज टॉपिक्स. तो इफ़ यू फाउंड वैल्यू, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑलवेज हैव होप, एंड ऑलवेज रियलाइज दैट फूड इज मेडिसिन. योर लाइफ स्टाइल needs to be changed, especially in the modern era, जहाँ पे stress हमें left, right and center से आ रहा है, हमारी diet खराब है, पानी खराब है, हवा खराब है, नींद खराब है, सब कुछ खराब है. इस केस के अंदर अगर हम हमारे epigenetics को खराब होने देते हैं, we will not only make our lives very poor in terms of health, we will also impact the life of our children and the next generation to come. It is our responsibility to fix ourselves, to fix our lifestyles, our diets, our mentality, our thought processes, our traumas. We need to fix all of this before we bring a new life on this planet. If we don't do this, we are actually doing disservice to humanity. And yes, I'm, you know, diverging from the main topic, but it is very important for me to let you guys know that what has been passing on from generation to generation to our generation, which has made us very unhealthy individuals, that must not keep passing on. We need to be the change, right? So that was it for today's video. I have two more videos for you guys to watch. One is on five things that slow down your hair growth. It's very interesting. You guys need to watch that. And the other thing is on scalp pain and does it even cause hair loss. I want you guys to check both of these videos out. Jab tak hum log agli baar mile, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye guys.